बदले की नई नीति, खत्म होगा इसराइल का अस्तित्व, सैकड़ों मिसाइल तैयार, इसराइल पर होगा तगड़ा प्रहार। इसराइल ने बदला नक्शा, खामनेई को आया गुस्सा, समय सीमा समाप्त, ईरान कभी भी कर सकता है बड़ा हमला। अमेरिका जिस अरब युद्ध की आशंका अक्टूबर 2023 से जता रहा है, अब वो आशंका धीरे धीरे सटीक होती जा रही है, क्योंकि इसराइल के खिलाफ ईरान ने महासंग्राम का बिगुल बजा दिया है। इसराइल पर एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से हमला करने का प्लान तैयार है, और हमले की पहल हिजबुल्ला ने शुरू ही कर दी है, जो अक्सर इसराइल को दहला रहा है। खामनेई के फरमान पर ईरान सेना ने अपनी मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दिया है। तेहरान में हानिया के कत्ल के बाद से ईरान बदले की आग में धधक रहा है, और अब इसराइल ने एक नक्शा जारी करके और भड़का दिया है। कुछ दिन पहले इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नक्शा दिखाया, जिसे लेकर ईरान, हिजबुल्ला, हमास और हुती आक्रामक हो गए हैं। नेतन्याहू ने जो नक्शा दिखाया, उस नक्शे से वेस्ट बैंक को गायब कर दिया गया। नया नक्शा जारी होने के बाद ईरान ने कड़ा एतराज जताया है और कहा है कि इसराइल धोखेबाज है, कभी भी उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, मौका परस्त है। ईरान के लंदन दूतावास ने लिखा कि दुनिया इसराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान दो स्टेट थ्योरी को मानती है, लेकिन सवाल यह है कि नया फिलिस्तीन कहां बनेगा। अब तो इसराइल ने नक्शे से वेस्ट बैंक को ही मिटा दिया है। नक्शे पर आपत्ति सिर्फ ईरान ने नहीं बल्कि लेबनान ने भी जताई है। जब से नक्शा जारी हुआ तब से हिजबुल्ला और भी आक्रामक हो गया है। कभी दिन तो कभी रात में इसराइल को दहलाने का कोई मौका हिजबुल्ला नहीं छोड़ता। रॉकेट हमले की आवाज से इसराइल की आवाम सहमी हुई होती है। हिजबुल्ला ने लेबनान इसराइल सीमा से उत्तरी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसराइल के उत्तरी शहरों पर हिजब का निशाना, अल साहल बटालियन पर स्वार्म ड्रोन हमले, अल तहयात हिल पर रॉकेट बरसाए गए। इसके अलावा इसराइल के कई शहरों पर हमले हुए। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि इसराइल ने नुकसान की कोई जानकारी साझा नहीं की है। हिजबुल्ला के हमले के जवाब में इसराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्ला के बेस पर इसराइल सेना ने लगातार 3 हमले किए। एतारोन में नष्ट हिजब का ड्रोन बेस, ताबड़तोड़ हमले से दहल उठा पूरा लेबनान। तो वहीं ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि हानिया की कत्ल का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ईरान सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इसराइल ये ख्वाब ना देखे कि ईरान खामोश हो गया है। हिजबुल्ला के हमले के बाद से इसराइल ने अपनी मिसाइलों को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। अमेरिका, ईरान, इसराइल, लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित दिख रहा है, क्योंकि ईरान इसराइल से बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है, और ईरान से जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि अरब में महायुद्ध होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।